6 जून घल्लूघारा दिवस के मौके के उत्ते सिख संगत वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों घल्लूघारा दिवस बड़ी श्रद्धा ते उलास दे नाल मनाया गया, जिस विच पंथ दे कई विद्वान जिहड़े ने ओह वी शामिल होए अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब भी विच शामिल होए। तुहानू दिखा दिंदे हां कि असीं अकाल तख्त साहिब दे बाहर मौजूद हां ते लगातार ही बहुत सारे सिख नुमाइंदे जिहड़े ने ओह इत्थे पहुंचे होए ने अते लगातार ही जो इस दुखांत जो दुखदाई दुखांत सीगा उस बारे उन्हां वल्लों अपने विचार जिहड़े ने ओह वी दिते गए ने। हालांकि इस बार पहली बार वेखण नूं मिलिया है कि दीप सिद्धू दीआं तस्वीरां भी इस जो मोर्चे दे विच जां जिहड़ा है घल्लूघारा दिवस दे विच वेखण नूं मिलियां ने, क्योंकि दीप सिद्धू दा जो योगदान सी उहदा उस नूं कदी भी भुलिया नहीं जा सकदा, क्योंकि लगातार ही लगातार ही दलजीत सिंह खालसा जिहड़े ने ओह भी इत्थे पहुंचे होए सन अते लगातार उहनां वल्लों बहुत जिहड़े ने जो दीप सिद्धू नूं लै के बहुत सारियां जिहड़ियां ने वो विचार जिहड़े ने वह भी रखे गए हैं। दूसरे पास अगर गल की जाए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान वालों भी लोगों को अपील की गई है तो नौजवानों को अपील की गई है कि वह भी अमृत छक के गुरु वाले बनन ता जो कि अपने परिपक्वता दे नाल असी अपनी आवाज़ जिहड़ी आ हर जगह के उत्ते चुक सके। पहली बार देखने को मिला है कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों भी जो बयान जारी किया गया उस नूं लैके लगातार ही सारे वर्ग जिहड़े ने वो जो इस ते नज़र बना के बैठे हुए सन ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों भी यही आदेश जारी किया गया कि सानू सारिआं नूं अमृत छक के गुरु वाले बनना चाहिए है। हालांकि हर साल की तरह जो सचखंड श्री दरबार साहब के अंदर जो है वह खालिस्तान जिंदाबाद के नारे तो सुनने मिले, लेकिन पहली बार होया कि टास्क फोर्स श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख नुमाइंदियों बहुत इतफाक के नाल जिहड़ा घल्लूघारा दिवस जिहड़ा वो मनाया गया। दूसरे पास अगर गल की जाए तो लंबे चिर तो ही इस दीआं तैयारियां जिहड़ियां असीं शुरू कर दित्तियां गईआं सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहला ही टास्क फोर्स नूं जो सीगा वो वॉकी टॉकी सैट जिहड़े सीगे दित्ते गए सन अते लगातार ही उन्हां वालों यह भी कहा जा रहा सीगा कि किसी भी तरह के नौजवान जे सिख नौजवान ने उन्होंने कुछ भी ना कहा जाए, क्योंकि लगातार ही बहुत विवाद एक बार छिड़ता हुआ नज़र आया सी जिसनों लैके सारे सिख जथेबंदियों रोष जिहड़ा सीगा वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल पाया जा रहा है। दूसरे पास अगर गल की जाए तो जिहड़े सरबत खालसा विच थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मांडूना वालों भी बहुत सारे विवादित बयान जिहड़े ने वह भी दिते गए हैं श्रोमणी कमेटी नूं घेरदे हुए नज़र आ रहे सन, क्योंकि उन्होंने वालों कहा गया कि श्रोमणी कमेटी वालों जो बलवंत सिंह राजूवाला की भैन कमलदीप कौर राजूवाला सीट दी गई है वह किसी जिंदा व्यक्ति वालों दी गई होंगी तो शायद असी उस स्वीकार कर लेंगे, लेकिन श्रोमणी अकाली दल मरी हुई जमात है इसनों कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरे पास उन्होंने कहना है कि 328 रूपों के मामले के अजे तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई भी स्टैंड जिहड़ा वह सामने नहीं आया, जिस करके उन्होंने बहुत सारा खमियाजा जिहड़ा इस चोणों में वेखन मिला है। उन्होंने कहना कि जेकर श्रोमणी कमेटी अपना फर्ज निभाउंदी तां सब तो पहला वह धरने प्रदर्शन करती है, उस तो बाद लगातार ही 328 रूपों का जिहड़ा सही हिसाब जरूर देंदी। हालांकि उन्हां वल्लों डेरा सिरसा जो राजस्वामी है उन्हां बारे भी बहुत सारे विवादित बयान जिहड़े ने वह भी दिते गए ने। उन्होंने कहना सीगा कि राम रहीम नूं माफ़ी दिवाउण वास्ते जो जथे अखौती जथेदार का भी शब्द जिहड़ा सीगा इस्तेमाल किया गया सी, कहा गया कि उन्हां वल्लों जो माफ़ी दवाई गई उस तो बाद ही कौम दे विच दो फाड़ जिहड़े हुंदे होए नज़र आ रहे सन, लेकिन कितना कितें यह पहली बार वेखण नूं मिलिया है कि घल्लूघारा दिवस के मौके के उत्ते किसी भी तरह की अनसुखावी घटना जी वेखन नहीं मिली, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल नाल पुलिस फोर्स वालों भी पुख्ता प्रबंध किए गए सन। लगातार ही प्रबंध जिहड़े ने पुख्ता किए गए सन सचखंड श्री दरबार साहब के अंदर, जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद ही जो अपना कार्ज जिहड़ा संभालती हुई नज़र आ रही थी। तो दूसरे पास बाहर की गल की जाए तो भारी पुलिस फोर्स जी तैनात जी की गई सी, लगातार ही बहुत सारे जिहड़े सी र्यूमर सीगे उस तो भी ठल पैंदी हुई नज़र आई, क्योंकि बहुत सारे कलैप्स होंदी जिहड़ी सीगी वह आकाश रहीआं जिहड़ीआं सीगीआं लगाईआं जा रहीआं सीगीआं, लेकिन कल भी जो सीगा लगातार ही एक मार्च जिहड़ा सीगा वह भी कढ़िया गया सी दल खालसा वल्लों अते दल खालसा विच जो लगातार ही दल खालसा वल्लों अज पंजाब खास तौर पर अमृतसर बंद की कॉल जिहड़ी सीगी वह भी दित्ती गई सीगी, लेकिन कितना कितें अज जो समा हो चला है करीब 12 बजे का समा हो चला है, लेकिन
किसी भी तरह की अनसुखावी घटना जी नहीं हुई। पुलिस फोर्स जी बाहर तैनात की गई थी, लेकिन अज जो पहली बार वेखने मिला कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों एक कौम के नाम जो संदेश दिता गया उस कहा गया है कि सिख कौम जी प्रभक्ता के नाल अपनी आवाज़ चुकन वास्ते गुरु वाले बनना चाहिए है, गुरु का अमर छकना चाहिए है, ता जो कि असी अपनी एक आवाज़ जी जरूर चुक सकी। लेकिन उस तो बाद सारे ही जिन्हें भी गर्म ख्यालीए सके जो सिख नौजवान सके उन्होंने वालों जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के जिस तरह ही स्पीच शुरू हुई उस तो बाद ही उन्होंने वालों जिहड़ा सी खालिस्तान जिंदाबाद जिहड़े सीगे वो नारे भी लगाए गए। लगातार ही सारे की नज़र जिहड़ी सीगी अज दे दिन बनी हुई सी, क्योंकि बीते समय की गल की जाए तो एक तस्वीर इस तरह दी सामने आई सन जो टास्क फोर्स ते सिख जथेबंदियों के काफ़ी कलैश हुंदा हुआ नज़र आया सीगा, जिस तो बाद हमेशा ही इस जगह के उत्ते 6 जून लैके हमेशा इकास रिंगा लगाईया जांदियां ने कि किसी भी तरह की अनसुखामी घटना जी वेखन ना मिल सके। लेकिन कितना कित अज 6 जून लैके जो तैयारियां सीगियां वो पूरिया की गई सन, किसी भी तरह की हजे तक अनसुखामी घटना का नहीं पता लग सकिया, ना ही जो प्रबंधक सके प्रबंधकों वालों भी इस उत्ते जरा सही जरा काम से वह भी किए गए सन। लेकिन कितना कित जो एक पासे तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारा समझाने लगी हुई है कि सारा मिल के जरा सिखा के मसलों के उत्ते विचार करने चाहिए ने, उत्थे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों भी एक बार फिर तो नौजवानों सेध देंदे हुए कहा गया है कि उन्होंने अमृत छक के गुरु वाला बनना चाहिए है ता जो कि आप एक नवी सेध जी दे सकी। दूसरे पास हर एक नौजवान जरा है श्री अकाल तख्त साहब से आके अपने आप को वडभागा समझता है, और अज घलूघर दिवस के मौके के उत्ते जिथे खालिस्तान नारे नारेबाजी के जो सुन मिले, दूसरे पास एक पहली बार वेखन मिला है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स से सिख नौजवानों के काफ़ी इतफाक जोड़ा वेखन मिलया, जिसन लैके ये तस्वीर साझिया कर बहुत जरूरी सन। लेकिन कितना कित जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे उसते भी अंकुश जरूर लगा है। कैमरामैन मनोज दिना, गुरप्रीत सिंह, पंजाबी लोक चैनल, अमृतसर।